अस्सलामुअलैकुम गाइस, रमज़ानों के वक्त कौसरबाग की गलियां लजीज खानों और खुशबू से भर जाती है। यहां ज़रूर आना, पेट और दिल दोनों ही भर जाएगा। रमज़ान के टाइम यहां आना बिल्कुल मैंडेटरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बस साल में एक बार इसी वक्त यहां रहती है रौनक और जायकेदार फूड स्टॉल्स। स्नैक्स, मेन कोर्स, स्टार्टर्स, ड्रिंक्स, सारी चीज़ों का यहां बेहतरीन इंतज़ाम है। बिल्कुल फ्रेश बने हुए जायकेदार खानों का मज़ा आप यहां ले सकते हो। नॉनवेज लवर्स के लिए ये जगह किसी फूड पैराडाइज से कम नहीं, और अगर आप भी इन खानों के शौकीन हैं तो देर न करें गाइस, अभी विजिट करें। तो अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपने बिल्कुल विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले है शरीफ कैटरर्स, इनके स्नैक आइटम्स लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी, बहुत सारी वराइटी, अ मस्ट ट्राई प्लेस। नेक्स्ट इज दिस बॉम्बे सीख पराठा, यहाँ का सीख विद पराठा है बहुत ही फेमस, और अगर ये ट्राई नहीं किया तो क्या ही किया। रमजान स्पेशल है ये हलवा पराठा, जो सिर्फ रमजानों में बनता है और बहुत ही यम्मी है। नेक्स्ट है ये जाफरान रेस्टोरेंट, यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए, इंडियन, मुगलाई, मंदी, चाइनीज, अरेबिक, सी फूड और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और मेरा पर्सनल फेवरेट है ये खाने खास रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का स्टाफ और इनका टेस्टी फूड बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और यही नहीं, यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठकर अपना फूड एंजॉय कर सकती हो। क्लीन, हाइजीनिक और ह्यूज सिटिंग विद प्लेजेंट एम्बियंस दे हैव। और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म मालपुए, अब ये बनते कैसे हैं आप खुद ही देख लीजिए। मीठे में भी यहाँ काफी कुछ है जो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता है, फालूदा, फिरनी और तहुरा। सो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल से भरा हुआ है। याद रखिए, ये स्टॉल सिर्फ रमजानों में ही होते हैं। रमजान खत्म होने से पहले एक विजिट यहाँ का प्लान कर ही लो फॉर जायकेदार एक्सपीरियंस। और हाँ, ये मावा जलेबी है यहाँ की बहुत ही फेमस, बिल्कुल ज़रूर ट्राई करना। एंड इसको खाया जाता है रबड़ी के साथ, बहुत ही यम्मी टेस्टी। तो बस इस जायकेदार फूड ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो में दिखाए यम्मी फूड आइटम्स देख के मुँह में पानी आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द। बाय बाय फ्रेंड्स।